बनाना शुरू? नहीं, अभी सिर्फ कट कर रही हूँ। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सबक जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हमने सोचा है कि हम आपको दिन भर का रूटीन दिखाएंगे। रमजान जा रहे हैं तो उसके लिए भी हम कुछ घर वालों के लिए और हम खुद सबके लिए स्पेशल करना चाहते थे, और मदर्स डे भी है तो हमने सोचा है कि आज के दिन हम क्या करेंगे, आमा को एकदम हम लोग बैठा के रखेंगे और सारा काम हम लोग करेंगे। हाँ। और हम लोग इफ्तारी भी बनाएंगे। तो आज का जो दिन होगा वो जिस स्पेशली जो इफ्तार की पार्टी होगी वो हमारी तरफ से होगी। तो आज हम सारी चीजें दिन भर प्रिपेयर करेंगे और वो सबका ब्लॉग भी आपको दिखाएंगे, और किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे वो भी आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो उसी की हम लोग तैयारी कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए ना हम लोग इफ्तार जो हमारा पार्टी है उसके लिए इन्विटेशन होना चाहिए। तो बच्चे चाहते हैं कि कुछ छोटा सा इन्विटेशन कार्ड होना चाहिए जो वो भाई भाभी को देने के लिए जाएंगे और आओ को भी देंगे। तो हम लोग इसी रूम में कुछ करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे जब से रमजान शुरू हुआ है तो हम लोग बाहर इफ्तार करते थे, लेकिन ये वाले रूम में सबका मन है यहाँ करो रजा करिए क्या। हाँ, रूम को डेकोरेट करके। डेकोरेट वैसे क्या करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ जो भी करेंगे यहीं पे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग अपना ये सब बना रहे थे। फ्रेंड्स, हम लोग कोई बहुत ज्यादा प्रो नहीं है कुकिंग में, आप तो जानते ही हो, मुझसे अच्छा बेटर रिजा कुक कर लेते हैं। नहीं, मुझे नहीं आता। लेकिन जो भी है, हम लोग अभी अपना मेन्यू डिसाइड करेंगे। अभी वो भी नहीं डिसाइड किया, अभी वो भी डिसाइड करना है। तो तुम क्या करोगे? मैं हमारा चेला है। ये हमारी हेल्प करेगा सारी चीजों में, बेचारे का रोजा ना लगे बस। क्योंकि अगर रोजा लग गया तो हमारी लग जाएगी। हम दोनों फिर इतनी सारी चीजें कैसे बनाएंगे? वही तो। इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि प्लीज भाई हिम्मत रख लेना। क्या बोलते हैं, नहीं मैं रोजा रखूंगा, मैं दिन भर सो लूंगा ना। मैंने कहा नहीं, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो ये करोगे ना, हम होंगे कामयाब। तो हम उसके लिए बना रहे हैं। फ्रेंड्स, ये ब्लॉग जो है वो सैरी टू इफ्तार रहेगा, तो इस ब्लॉग में बने रहिए। अभी इतना बन गया है, अभी इसमें अंदर कुछ कुछ करेंगे और कुछ अलग से लिखेंगे। अभी क्या करोगे तुम लोग इफ्तार में? तो टाइम बचा हुआ है, तब तक ये बुक ही पढ़ लो। हाँ। मैंने तुम लोगों को कहा था ना। तो तुम कौन से वाले पे हो? मैं फर्स्ट पे हूँ, द प्रॉफिट इब्राहिम एंड द काबा, द फादर ऑफ हाशिम। माशाल्लाह, तुम भी रेहान? बिल्कुल। हाँ। मैं सही से करूँ पूछूंगी, ठीक है? चलो अब तक रीड। मैंने तो उनको बुक पढ़ने में लगा दिया है क्योंकि अभी सहरी का टाइम है, तब तक ये पढ़ेंगे और कुछ सीखेंगे। बुक रीडिंग फ्रेंड्स बहुत अच्छी होती है, इंग्लिश में भी आपकी हेल्प होती है, साथ साथ ही बुक की वजह से ना इनको कुछ सीखने भी मिलता है। और लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, बच्चे खेलने नहीं जाते हैं, तो बाकी टाइम क्या करते हैं, या तो मोबाइल या तो टीवी, और या तो फिर ऐसे खाली पड़े रहेंगे। वो उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, उनके माइंड के लिए भी अच्छा नहीं है। तो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहना चाहिए, उसमें बुक रीडिंग बहुत अच्छी होती है। उससे क्या होता है फ्रेंड्स, आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी और साथ साथ आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। और फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखने के लिए हम सब एक ऐप की हेल्प लेते हैं जिसके बारे में आपको बता चुकी हूँ, जिसका नाम है डुओलिंगो। फ्रेंड्स, उससे ना हम लोग काफी टाइम से सीख रहे हैं, और उससे क्या होता है, हमको प्रोनाउंसिएशन में भी, साथ में किस तरह से बोलना है, उस कौन से वर्ड को कहाँ यूज करना है, बहुत सारी हेल्प मिलती है। मैं आपको बताती हूँ, लेकिन फ्रेंड्स मैं उससे पहले आपको बताती चलूँ, डुओलिंगो जो है ना फ्रेंड्स, वो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है, जिसमें 30 से भी ज्यादा लैंग्वेज है, जिसमें आप हिंदी सीख सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं। इंग्लिश तो आपको पता ही, कितनी ज्यादा जरूरी है आजकल जॉब्स के लिए और हर काम में। और उसके साथ साथ 30 अलग लैंग्वेज है जिसे आप एकदम फ्री में सीख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये ऐप जो है ना बहुत इजी है यूज करने में, एक गेम की तरह है। आप इसे प्ले स्टोर या फिर आप एप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो आएगा, फिर आपको यहाँ पे चूज करना है। तो हमने कहा शुरू करें, आपको क्या सीखना है? अंग्रेजी, तो हमने कहा अंग्रेजी। आपको हमारे बारे में कैसे पता चला है? तो हमें कहाँ से पता चला है? ऑनलाइन विज्ञापन। फिर इसमें ये सारे ऑप्शंस आएंगे कि आपको किस लिए सीखना है, तो हमने कर दिया पढ़ाई जारी रखें। आपको एक लक्ष्य चुने, आसान, साधारण, गंभीर, तो हम आसान करते हैं। इसमें हमें 5 मिनट्स देना है, लेकिन हमें थोड़ी थोड़ी आती है तो हम साधारण करते हैं ना। साधारण जारी रखें, पहली बार अंग्रेजी सीख रहे हैं या पहले से थोड़ी आती है? पहले से थोड़ी आती है। टेस्ट शुरू करते हैं, तो अब आएंगी एक्सरसाइज। ये फ्रेंड्स जो एक्सरसाइज होती है ना, वो बहुत गेम की तरह होती है, तो करने में बहुत मजा आता है। अ स्टूडेंट, स्टूडेंट एक एक छात्र छात्र ये सेकंड आ गई। नमस्ते, मैं डुओ हूँ। हेलो हेलो, आई एम डुओ। वेरी नाइस, सीख गया। मेरा कुत्ता 7 साल का है।
My dog is seven years old. अरे वाह, लास्ट आई कम हियर एवरी डे. मैं यहाँ हर दिन आता हूँ. तो फ्रेंड्स देखा कितनी मजेदार ऐप है, एकदम गेम की तरह. आप इसमें अपनी पसंद की लैंग्वेज लर्न भी कर सकते हो, साथ साथ गेम की तरह एंजॉय भी कर सकते हो. और फ्रेंड्स आपको ये बताना था कि डुओलिंगो जो है ना वो ऑल द थ्री एस्पेक्ट्स में हमारी हेल्प करती है, जैसे कि स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग. ये आपकी हैबिट बिल्डिंग में भी हेल्प करती है. मतलब इस ऐप को ना आपको रोज 10 मिनट्स देने हैं, लेकिन किसी दिन अगर आप भूल जाते हो तो आपको नोटिफिकेशन देखकर याद दिलाती है कि आओ इंग्लिश सीखो, सिर्फ 10 मिनट्स तो देने हैं. और जैसे जैसे आप सीखते जाते हो तो उनका जो लेवल है वो और ज्यादा एडवांस होता जाता है. और फ्रेंड्स हर लैंग्वेज में ना अलग अलग टॉपिक्स भी हैं, जैसे कि फूड एक्सेट्रा, जिससे आप अपनी पसंद की लैंग्वेज एफिशिएंटली सीख सकते हो. और फ्रेंड्स ये ऐप को डाउनलोड करने की लिंक ना मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप चेक कर सकते. अभी आज के लिए ना ये सारी चीजें अभी यहीं पे रहने दो, सुबह हमें जरूरत होगी. अभी चलते हैं किचन में. ये नाइट सूट याद आया हमको, ये मैंने इसके बर्थडे में स्टिच कराया था. अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छा, कम्फर्टेबल है. अभी टेलर भी आएंगे तो फिर और सिला दूंगी. वो लॉकडाउन में घर ही चले गए बेचारे, हम उनको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, क्योंकि छोटे मोटे जो काम होते हैं ना वो बहुत ज्यादा अटक जाते हैं. लेकिन ठीक है, वो अपने घर पे एंजॉय कर रहे हैं. चलो हम लोग जा रहे हैं अभी. हाँ. क्या कर रहे हो? मैगी बना रहा हूँ. तैयारी में कोई मैगी खाता है? अब मैं थोड़ा सा कीमा पाव भी लूंगा. अच्छा रियान, कल का दो दिन पुराना कीमा पाव, वो बहुत टेस्टी बनाती है भाभी. हाँ ये बात तो सही है. रियान कैसे, बोल के बता. बोल के बता. एक सेकंड, क्या जो हंसेगा वो फंसेगा. जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा. जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा. चलो बोलो. एक सेकंड, नहीं नहीं पहले तो जो हंसेगा. ओके चलो मेरी बारी. जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा. जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा. जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा. नहीं यार, जो भी है. लेकिन तीन बार मैं बेटर थी तुम लोगों से. बात है अपनी, बात है. मैगी चल गई रेहान की, मैगी चल गई. मैगी नहीं चली. तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए किचन में. हम लोग अपनी सहरी कर रहे थे, लेकिन भाई का मन किया है कि उनको पराठे खाने, तो वो कह रहे हैं जल्दी से पराठे बना दो, तो हम उनको पराठे देंगे. मैं ऐसे रैप करके क्यों बोल रही हूँ? एक भी किसी ने मुझे कहा था सर तुम रैप बहुत अच्छा कर सकते हो. रैप तो अच्छा होता है ना, है ना? किसमें? हाँ वो रेहान. और ये देखिए शालोपी ने घी गिरा दिया. ये देखिए भाई, वेट करो मैं से. शिट, क्या होगा? अभी तो शुरुआत है दिन में, क्या होगा रेहान? अभी दो पराठे बन गए हैं, एक मैं एक्स्ट्रा भेज देती हूँ कि अगर भाई को कभी ज्यादा भूख लगी या भाभी का मन किया तो. और मुझे इतना ज्यादा अफसोस हो रहा है ना कि ये जो घी है वो गिर गया. एक्चुअली भाई ने अभी बोला और हम लोगों ने हड़बड़ी में ना जल्दी जल्दी बनाया, तो रिजा ने सारी चीजें रख दी थी और उसने क्या किया कि लेट ना हो तो ये जो घी है इसके अंदर ना ऐसे चम्मच डाल के रख दिया. और मैं वहां पे मोबाइल सेट करी तो मेरा हाथ ये चम्मच पे लगा, जब ये चम्मच गिरा तो ये भी गिरा. तो इसलिए लेकिन शुगर है कि ज्यादा नहीं गिरा, पूरा हो जाता तो मुझे बहुत अफसोस होता, लेकिन कभी कभी हो जाता है. ये पॉजिटिव साइड मैं देख रही हूँ इस चीज का कि पूरा नहीं गिरा, पूरा गिरता तो मुझे और ज्यादा अफसोस होता है. लेकिन अभी भी अफसोस है, चीज वेस्ट होती तो बुरा लगता है, लेकिन क्या करते हो जाता है कभी कभी. तो अभी मैंने पराठे बना दिए और देखिए पराठे को ना थोड़ा क्रिस्पी करने के लिए दिखाओ रहा, मैं उसे थोड़ी देर ना ऐसे तवे पे रखती हूँ धीमा करके. शेप बड़ा अजीब दिख रहा है लेकिन वो क्रिस्पी है. और भाई को ना ऐसे पसंद है, मतलब देखिए ऐसे, वो सॉफ्ट वाले नहीं पसंद, तो इसीलिए मैं इसे इस तरह. जाओ आओ, तुम्हारा भी गिराना नहीं प्लीज, तो पूरी सोसाइटी उठ जाएगी. जाओ कटर. क्या कर रहा था? कटर आ रहा था, ले आती. नहीं फिर इस टाइम कैसे लेके आ सकते हैं? सहरी हो गई. हो गई. क्या खाया हमने? कल की जो फल काट के रखे थे. हाँ. बस वही खाया. चाय तो पी लेंगे. चाय पी लेंगे. और बस पानी. पानी. भूख नहीं लगी? नहीं. नींद पूरी हुई? हाँ, अच्छे से. अब सो गई या नहीं?
थोड़ा सा सोएंगे फिर उठ जाएंगे। इतनी नींद में बोल रही हो अम्मी? थोड़ा सा सोएंगे फिर उठ जाएंगे, नहीं नींद आएगी तो नहीं उठेंगे, नहीं सोएंगे। अच्छा, और मदर्स डे भी लग गया अम्मी, तो हैप्पी मदर्स डे। क्या होता है मदर्स डे मुझे खुद नहीं बताओ, इतना तो अंदाजा लगा। माँ का दिन होता है तो वही है। हाँ, तो बस माँ का थोड़ा हौसला बढ़ाते हैं, प्यार करते हैं, बताते हैं, मतलब याद करते हैं हमारी माँ है। हाँ वही। तो फ्रेंड्स, सहरी हो गई है। पिछले व्लॉग में मैंने सहरी को इफ्तार बोला, बहुत से लोगों ने नोटिस किया, तो सहरी हो गई है। और मुझे इंस्टाग्राम के लिए एक स्टोरी शूट करनी थी, फिर मैंने सोचा कि अब कौन नया आउटफिट निकाले फिर उसमें आयन करे, तो मैं इसी आउटफिट में कर लेती हूँ। तो नीचे तो इसमें ऑलरेडी घी डाला हुआ है, लेकिन ऊपर किसको दिखता है, तो इसीलिए मैंने इसी आउटफिट में वीडियो बना लिया है। और अभी मैं जा रही हूँ कुरान शरीफ पढ़ने और नमाज पढ़ने। हो गया है नेक्स्ट डे और अम्मी यूट्यूब पे कुछ देख रही है। क्या देख रही है अम्मी? ये तो बता दो, ये लो बैटरी दिखा रहे हैं। अच्छा, किसी ने रिएक्शन दिया तो अम्मी वो देख रहे हैं। अच्छा लग रहा है क्या वो बोलते हैं? तो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। देखो आजकल तो अम्मी का भी फोटो शूट करना पड़ रहा है, अम्मी के लिए भी कपड़े आते हैं। और देखो किसी ने कितने प्यार से ये सूट सिल के भेजा है इंस्टाग्राम पे, तो हमने सोचा फिर जब कोई इतने प्यार से दे तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि उनको बदले में फोटो दे, ताकि वो अपने पेज पे डाल सके या उनका भी कोई थोड़ा फायदा हो। तो कैसा लग रहा है अम्मी आपको सूट? अच्छा लग रहा है। अच्छा ना, ठीक है चलो उनको बोल दो। हाँ उनको बोल देंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए हैं किचन में और हमने तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले हम कस्टर्ड बना के फ्रिज में रख देंगे ताकि वो ठंडा हो जाए। फोन करो रेहान, जल्दी से भाई फोन जल्दी ऊपर से आप चले। चलो ऊपर। इतनी देर से मैं फ्रेंड्स सोच रही थी कि मैं इतना सारा कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ, ये गाढ़ा नहीं हो रहा, गाढ़ा नहीं हो रहा, और पता चला नीचे गैस ही खत्म हो गई, अब पता नहीं क्या होगा। तो जब तक टाइम ना वेस्ट हो तब तक मैंने आलू को मैश कर लिया था, बहुत गर्म थे। आज हम दोनों ने ना ऐसी बेल्स लीफ पहले बड़े स्टाइल मारने के लिए, और ये नहीं सोचा कि किचन में काम करना है और दोनों इसे ऊपर करें। तुम कैसे कर रहे हो? मैंने रिबन, इसने तो रिबन लगाया हुआ है, मैंने उसको अंदर कर लिया है। और फ्रेंड्स देखिए, गैस खत्म हो गई थी ना तो कस्टर्ड जम गया, और फिर बहुत ज्यादा टेंशन दोपहर में, तो मैं पैनिक कर रही थी कि अब क्या होगा। लेकिन चलो गैस आ गई है और जो कस्टर्ड, लेकिन ये जम गया है तो हमने इसको छान के अलग कर दिया, फिर हमने नया घोला, फिर हमने डाला। चलो देखते हैं, प्लीज दुआ करिए कि कुछ ना कुछ तो हो जाए, प्लीज हम कुछ तो खिला पाए सबको। मिल गई आज हर चीज लेट होनी है। रेहान तुम क्या करा के दोगे हम लोग? रेजा इसके लायक कोई काम बताओ। फ्रूट्स? अच्छा चुप, सबसे आसान काम। यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग समोसा बनाने की तैयारी कर रहे थे, बस उसी में लगे, और रेजा मेरी कंटिन्यूसली हेल्प कर रही है, आपको दिख रहा है। तो आवाओ को देना है, इसके अंदर क्या लिखोगे? कितना अजीब बनाया है हम लोग ने, जल्दी जल्दी, लेकिन ठीक है, अच्छा लग रहा, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है। तो अंदर लिख दो भाई, और वाला और नहीं लिखना था, ये इंग्लिश हो गया भाई, और या तो भाई आओ या तो भाभी आओ। चलो ठीक है, भाभी मिंग में लिखो, आपका घर है आपकी मर्जी। जल्दी चलो तो इधर बैठते हैं। रेहान ना अभी कस्टर्ड के लिए खाना काट के दे रहा है, रेहान काट दो, हैंड वॉश कर लिया ना? फ्रेंड्स मतलब आज ऐसा हो रहा है कि कस्टर्ड बस बन जाए तो बहुत अच्छा, अभी जमे नहीं क्योंकि मैंने चीनी डालना भूल गई हूँ। और फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं शुगर फ्री डाल दूँ, क्योंकि कस्टर्ड ये लोग खाते नहीं है और कोई खाता नहीं है, तो जो भी खाते हैं वो शुगर फ्री वाला ज्यादा प्रेफर करेंगे, तो हम शुगर फ्री डाल दूँ। इंतजार किया कि कस्टर्ड ठंडा हो जाए ताकि उसमें फ्रूट्स डाल पाए, फिर बाद में शुगर फ्री डालने के लिए फिर से गर्म करना पड़ा, तो अभी थोड़ा ही गर्म किया है तो वो ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम उसमें फ्रूट्स डाल के उसको रख देंगे। और यहाँ पे रिजा क्या कर रही है? मिर्ची और धनिया काट रही है, समोसे के लिए मिर्ची और धनिया काट रही है। और रेहान कुछ और कर रहा है, वो भी हम आपको बाद में दिखाते हैं।
वगैरह बना रहे हैं, तो ये उसका भी अंदर का आलू तैयार है, और ये गुलगुले का भी जो भी हम बनाते हैं बैटर वो तैयार है, और जो समोसे का हम कवर बनाएंगे वो भी हमने गूंथ के रख लिया है। तो हम सोच रहे हैं समोसा बनाने में ज्यादा देर लगेगी, इसलिए हम पहले ये जो समोसा है ये पहले बना लेंगे। और फ्रेंड्स ये हमारे समोसे निकल रहे हैं, तो हमने बना लिए हैं, लेकिन टाइम बहुत कम बचा है इसलिए हमने यहाँ पे दूसरा तेल रखा है, ताकि हम साथ में यहाँ पे जो गुलगुले और ब्रेड पकौड़ा तलना है वो करते जाए। रिजा तुम क्या कर रही हो? ब्रेड कट कर। रिजा मुझे ब्रेड कट करके देगी, हम फिल करके उसे बेसन में डाल के तल लेंगे। अम्मी मैं तो बहुत लेट हो गई हूँ और भाभी सही टाइम पे आ गई है, तो वो मुझे दाल बना के दे रही है। लेकिन शुरुआत में अंदाजा नहीं मिलता ना, सबके साथ ऐसा ही होता है। और अम्मी आ गई है रेस्क्यू के लिए, क्योंकि हम लेट हो गए हैं, तो अम्मी हमारे फ्रूट्स काटेंगी। भाभी कहाँ गई? कुछ लेने गई है ना? हो गया हो गया। भाई आप भी कुछ करा लो आके। ये रो बेटा ये ले जाओ, प्लेट में डाल पापड़ हो गए। हाँ भाभी स्पून दे दीजिए। अम्मी आप खा के बताना बाद में, मुझे बता दो भाई क्या अलग अलग साइज के बना, ये कितना बड़ा है कितना छोटा, तुम भी तो लो। शरबत दीजिए, मुझे बहुत प्यास लग रही है। बस अब जैसे रमजान जा रहे हैं और ये लास्ट के दो तीन दिन बचे हैं, तो हमने सोचा आज कुछ आपके लिए सबके लिए स्पेशल करें। तो आप सबको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, और गुलगुले बहुत अच्छे बने थे। स्माइली मुझे पता नहीं स्माइली थी कि नहीं, और समोसे में थोड़ा सा नमक लेकिन मेहनत अच्छे नहीं बने, लेकिन मेहनत के फुल मार्क्स के आज सबर ये सारी चीजें प्रिपेयर करी है। रिजा रेहान ने भी, रिजा रेहान ने भी, तो उसके लिए फुल मार्क्स डेफिनेटली। और अच्छा था, मैं तो मतलब मैं हमेशा रोज बहुत सारे फ्रूट्स खाती हूँ, रोजा जब खोलती हूँ तब, लेकिन मैंने आज थोड़े से ही फ्रूट्स खाए हैं, क्योंकि अभी मैं बैठी हूँ, मैं चाय बनवाऊंगी और अच्छे से अपना ब्रेड पकौड़ा और समोसा खाऊंगी। अम्मी आपको भी अच्छा लगा? ये सारे पकवान बनाए अम्मी के लिए तो अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी कस्टर्ड बाद में टेस्ट करना। और वो स्माइली शोर को इससे भी रजिस्टर नहीं हुआ, क्योंकि वो उनके पसंद की डिश नहीं है, कस्टर्ड हम लोगों को पसंद है, उनको नहीं पसंद, तो हमें इसलिए सबसे पहली नजर इस पे करनी है। चलो फ्रेंड्स आपसे बाद में मिलते हैं, किचन विचन साफ करने के बाद। हमेशा की तरह ये तुम चुप के अकेले में बाद में क्यों खा रहे हो? थक गया ना बाबू? लेकिन रिहान अच्छा बना था। गुलगुले दो भाभी को चाहिए तुम खा रहे हो। अरे गुलगुले दो भाभी को चाहिए तुम खा रहे हो। अरे क्या कर सकते हैं। अरे 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 लड़ो बहुत गाय मारता है। क्यों मारता? सॉरी करो, सॉरी करो, सॉरी गुलगुले जैसे हो रहे हैं। दस नहीं खाए, सात खाए बस। नहीं होते,
देखो ये कैसे अपना भी नंबर लगा के बैठ गया, जैसे इससे भी खाने को मिलेगा। तुमको नहीं मिलेगा बाबू, इसको आज कुछ नहीं मिला है? तुमने चिकन नहीं बनाया, अब कल उसको चिकन मिलेगा। आवा को तो स्माइली समझ में ही नहीं आया, तुम्हें समझ आया? मेरे सामने तो बना था भाई, भाभी को नहीं, भाभी को आ गया था समझ। हाँ। अच्छे से मिक्स करो अनार को पूरा। आपको कस्टर्ड का मन था ना, इसलिए बनाया, और अम्मी शुगर फ्री का बनाया है। कुछ कभी कभी कुछ अच्छे काम भी कर लेती हूँ मैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ठीक है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी भाभी को देना। हाँ ठीक। फ्रेंड्स, कस्टर्ड सच में अच्छा बना था, और मेरी इशा की नमाज हो गई, और मैंने अम्मी का दुपट्टा लिया है, आप देखिएगा। पहचान गई आप? देखो तो अपनी चीज कौन नहीं पहचानेगा, जरा देखो इससे पूछो। फ्रेंड्स, मैंने इसमें ना स्टोल डाला हुआ था, उसमें नमाज नहीं हो रही थी, तो मेरे पास कॉटन का कोई दुपट्टा नहीं था। फिर मैं अम्मी की अलमारी में गई, मैंने आराम से ऊपर से नीचे तक देखा, मुझे ये कलर अच्छा लगा, तो मैंने ये निकाल लिया, और मैंने कहा था यही रिएक्शन आएगा। कम से कम 10 कपड़ों के नीचे दबा, सबसे नीचे सूट रखा था, कहाँ से इसका दिमाग चला है खोल के ढूंढ के। मुझे ये पसंद था ना, हमने कितना प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है, आके मेरे बगल में बैठ गई। मुझे दे दो, ताजुब लगता है लड़की। शौक में ना कुछ बोल नहीं पा रही है, बाद में बोलेंगी। तो नहीं, क्या बोलूंगी बताओ, अब जब उसने एक बार पूछा नहीं कुछ नहीं, होड़ के आगे पूरा बांध के मेरे बगल में बैठी। नमाज पढ़ के आई हूँ मैं, आपको सवाब मिलेगा, आपके दुपट्टे में नमाज पढ़ी है। नमाज के दुपट्टा, ऐसी बात नहीं, कम से कम 6-7 दुपट्टे हैं, हम धोके तहे लगे वो नहीं लेती है। अभी आज नहीं मिल रहा था, पता नहीं अंदर सब कहाँ था। कम से कम पूछ ही लेती कि अम्मी नमाज वाले दुपट्टे दे दो, मुझे होड़ने की नहीं, होड़ लो कोई बात नहीं, लेकिन इसकी हिम्मत की दाद देती है, कहाँ से ढूंढ के लाती है। अब डांटोगी नहीं, बोल दो। नहीं डांटूंगी, अब क्या डांटूंगी, होड़ में बैठी है तो क्या डांटूंगी। नहीं वैसे अभी उतार दूंगी, मैंने तो सिर्फ इसलिए दिया था नमाज पढ़ने के। हाँ ठीक है, कल यहीं से शुरू किया था, आज यहीं पे एंड कर रहे हैं। बहुत कुछ सोचा था, कुछ चीजें ठीक हुई, कुछ चीजें नहीं हो पाई, लेकिन एट द एंड अम्मी ने और भाभी ने आके हम लोग को एकदम बचा लिया, और सब कुछ ठीक हो गया फाइनली, अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कि मदर्स डे था, आप सबको पता ही है, तो माँ तो फिर हमेशा माँ का दिन था, और माँ ही काम आई है, जैसे भाभी और अम्मी। तो अम्मी आपको कैसा लगा आज? आज बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई है कि आज पूरे दिन कल से कह रही थी अम्मी तुम किचन में नहीं आना, अम्मी किचन में नहीं आना, सब मैं बनाऊंगी, सब मैं बनाऊंगी, तो उसने वो पूरा सब कुछ बनाया। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हेल्प लेनी पड़ी, सब कुछ जो जो मेरी पसंद, कस्टर्ड, गुलगुले, और वो ब्रेड पकौड़े, ब्रेड के वो सब चीज उसने, चिकन रह गया फ्रेंड्स, क्योंकि अम्मी कह रही थी बहुत पेट भर गया है, तो अभी फिर नहीं खा पाएंगे। और अम्मी रजा रिहान ने भी बहुत मेहनत करी, बच्चों ने तो बता नहीं सकते, इनके बिना तो कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। तो बहुत मजा आया, लेकिन ये सब करने में मजा बहुत आया, इनविटेशन कार्ड बनाना, भाई भाभी को देना। और फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट में वीडियो को एंड करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि आज मदर्स डे है, तो हम सबको विश करना चाहते हैं, जो भी मम्मी लोग हैं, अम्मी लोग हैं, ये वीडियो देखती हैं, आप सबको हम सब की तरफ से हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। जो भी बच्चे बोलते ना, हमारी अम्मी बहुत देखती हैं, तो जो भी अम्मी लोग देखती हैं, आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। और आप हमेशा कहते हैं कि अपनी अम्मी का ख्याल रखो, हमेशा वक्त पे माँ ही काम आती है, जैसे देखो आज भी हुआ है, माँ के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हमें उनकी हेल्प की जरूरत होगी। जिनकी अम्मी लोग दुनिया में नहीं है, तो आप लोग परेशान मत, वो जहां भी हैं आप सबको दुआएं दे रही हैं, आप ज्यादा से ज्यादा उनके लिए पढ़ के उनको दीजिए, वो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो हर पल आपके साथ, हर घड़ी आपके साथ रहती हैं, सब कुछ वो देखती हैं, बस उनके लिए पढ़ के दुआ करो, उनको वही, उसको और मोहब्बत करो, यही समझो कि हमारे करीब में है। और जो नई माँ बनने वाली है उनको भी हैप्पी मदर्स डे, जिनके अभी नए नए छोटे छोटे बच्चे हुए उनको भी हैप्पी मदर्स डे, और जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सबा दुआ कीजिए हमारी औलाद से अल्लाह हमें नवाजे, तो इंशाल्लाह आपकी दुआ जल्दी कबूल हो, और अल्लाह आपको नेक औलाद से नवाजे, सब कुछ वक्त आने पर ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स आज 27वीं शब भी है तो हम लोग अब बैठ के इबादत करेंगे, ज्यादा से ज्यादा दुआ करेंगे ताकि सबके दुनिया के हालात ठीक हो जाएं। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्या क्या सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बिना प्रैक्टिस के था ना फ्रेंड्स, इसलिए एकदम रियल निकल आया। और फ्रेंड्स आप डुओलिंगो ऐप डाउनलोड करना ना भूले। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अल्लाह हाफिज़।